क्या फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में अब कोई स्ट्रेटेजी बच गई जिससे हम अपना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बुक कर सकते? क्या इसकी वैल्यू इस वक्त और अब जाने वाली है? क्या जितनी भी बैड न्यूज़ थी, जो कि कोई भी थी नहीं, तब भी इसके शेयर प्राइस पे जो इफेक्ट देखने मिला है, क्या वो ऑपरेटर गेम था जिससे ऑपरेटर अब खुद बच के भाग रहे हैं? क्या ऑपरेटर भी यहाँ से निकलना चाहते हो, अपने चाल में फंस गए हैं? तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए कि जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू योर टेक्निकल बुल चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में कि फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में अब क्या स्ट्रेटजी रह गई है जिससे हमारा प्रॉफिट और मैक्सिमाइज हो सकता है। क्या फ्यूचर एंटरप्राइज में और कोई स्ट्रेटजी है जिससे हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं फ्यूचर प्राइस में? अभी तक और क्या क्या वैल्यू गई है? अब इसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए? किस तरीके से हमको परफॉर्म करना चाहिए? क्या इसका रेजिस्टेंस होगा? क्या इसका सपोर्ट होगा? तो चलिए सब इस वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक टेक्निकल बुल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं? फटाफट से सब्सक्राइब वाला बटन जो दिख रहा है वो प्रेस कर दीजिए, जो बेल आइकन है वो भी दबाइए ताकि आप फ्यूचर एंटरप्राइज से कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए और आपके सारी स्ट्रेटेजी से आपको प्रॉफिट हो और आप लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा कमाएं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में। तो अब हम आ गए हैं फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के चार्ट के ऊपर। यहाँ देखते कि यहाँ से हमको अभी तक क्या देखने मिला है, क्या एनालाइज हम कर पाए अभी तक और कब ये अपर ट्रेंड हमको फिर से देखने मिल सकता है। अभी तो हमको लोअर ट्रेंड ही दिख रहा है, कि अपर ट्रेंड के कहीं सिंबल अब देखने मिल सकते हैं क्या? यहाँ पे फिर से ये इस टाइप का अपर ट्रेंड बन सकता है जो यहाँ पे बना था, जो यहाँ बना था, क्या फिर से अपर ट्रेंड हमको जल्दी देखने मिल सकता है? उससे पहले चलिए डिस्कस कर लेते हैं अभी तक। अब एनालिसिस की तरफ चलिए बढ़ते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं अभी तक इसमें हुआ क्या है फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में। तो आप जैसा कि देख सकते हैं फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड ओपन ये हुआ था कल 14.40 रुपीज़ के आसपास पर, फिर इसको ऊपर पुश किया गया था 14.65 के आसपास पर, फिर इसको नीचे गिराया गया था। नीचे इसका लेवल जो गया था वो था 14.40 रुपीज़ का, फिर ये आते आते बंद हुआ 14.25 जो कि ये प्रीवियस डे से क्लोजिंग में बंद हुआ। कल ऊपर लेके गया, नीचे लेके गया, फिर इसको ऊपर लेके गया। कुछ दिनों से यही ट्रेंड दिख रहा है, हल्का सा इसको ऊपर पुश कर दिया जाता है, फिर इसको डाउन कर दिया जाता है, फिर इसको ऊपर उठाया जाता है। तो क्या कोई ये स्ट्रेटेजिक है कि इससे अभी और प्रॉफिट बुक करना है हमको? क्या कोई स्ट्रेटेजी का सिंबल है? तो अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन आपको एक स्टोरी में शेयर करूँगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि हो सकता है ये आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से ऊपर जाता आपको दिख सकता है। और अगर हम इसके AMO ऑर्डर्स की बात कर ले तो अभी तक इसमें 8 AMO ऑर्डर्स अभी तक 455 के आसपास लग गए हैं, कि जब मार्केट ओपन हो तो AMO ऑर्डर 455 के आसपास लग गए हैं। वही पिछले सेशन में वॉल्यूम 15 लाख प्लस से भी ज़्यादा हमको इधर ट्रेड होते दिखी है, जो कि एक पॉजिटिव हो जाता है। और इसमें अब डिलीवरी रेशियो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इसमें डिलीवरी रेशियो हो गया इसका 72% के आसपास पे, और वहीं इसमें डिलीवरी ली गई है 8 लाख शेयर की इसमें डिलीवरी ली गई है। तो अब इसमें धीरे धीरे डिलीवरी रेशियो भी बढ़ रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है स्ट्रांग हैंड इसमें फिर से वापस आ रहा है। और वहीं अगर मैं इसके BSE प्राइस की बात कर लूँ तो इसके BSE प्राइस हमको 14.45 रुपीज़ के आसपास क्लोज होते दिखा है। और वहीं अगर BSE में AMO की बात करूँ, BSE में AMO जल्दी लगता नहीं है, वहाँ भी ऐसा ही हुआ कि BSE में 0 AMO हमको दिखा है। वहीं अगर वहाँ पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ उसकी बात करें तो वहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड हुआ ऑलमोस्ट 14 लाख के आसपास, इतने वॉल्यूम वहाँ पे हमको ट्रेड होते दिखे, जो कि एक पॉजिटिव साइन बन जाता है। अगर हम इस चार्ट को कंपेयर करें, आप यहाँ
देख सकते हैं कि यहाँ पे अब धीरे धीरे ये ग्रीन कैंडल्स अब बनने शुरू हो गए और ये पॉइंट्स कभी भी कट होके हमको फिर से ऐसा चढ़ाव देखने मिल सकता है, जहाँ पे फिर से शेयर में बढ़ोतरी हमको एक्सपेक्टेड है कि बहुत तेज़ी से ये ऊपर जाने के संकेत दिखा रहे हैं। वहीं अगर इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो आप देखेंगे सब में एक जैसा ही हो रहा है कि अब अपने सब लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आ गए हैं और अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। और वहीं अगर मैं आपको वीडियो के एंड में एक वॉरेन बफेट का कोट है वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, फिर आप बोलोगे क्या सही इस परफेक्ट टाइम पे बैठे, क्योंकि हम सब ने एग्जांपल देख लिया है कि कितना अगर आप ग्रेडी हो जाओगे, अगर सब ग्रेडी हो जाओ तो कितना लॉस हो सकता है। हमारे कई सारे सब्सक्राइबर जिनका बहुत लॉस हुआ है, हमारा भी थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, लेकिन इतने मात्रा में नहीं, हमने सही टाइम पे एवरेज आउट कर लिया था इसलिए हमारा लॉस कम हुआ, लेकिन हमको भी लॉस हुआ है, हमारे भी लॉसेस हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ये फिर से तेज़ी से ऊपर जाते हमको दिख सकता है और लॉसेस जो हुए अब रिकवर होने के चांसेस दिख रहे हैं। सेम ऐसा हुआ था आलोक इंडस्ट्री में, आलोक इंडस्ट्री में जब न्यूज़ आ रही थी कि रिलायंस के साथ डील होने वाला है तो उसका जो एक रुपये का शेयर था वो पहुँच गया था 4 रुपये में। जैसे आपने यहाँ पिछला देख लिया कि ये डायरेक्ट इस पॉइंट से लेके अगर आपको यहाँ पे इस पॉइंट से लेके डायरेक्ट इस पॉइंट पे पहुँच गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 13.8 से लेके सीधा ये 22 के आसपास पहुँच गया था, ऑलमोस्ट डबल के आसपास डबल हो गया था। फिर लेकिन जब पता चला ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कंपनी में कि वो डबल हो जाए, तो फिर से जैसा आलोक इंडस्ट्री में हुआ था 4 से फिर से वो 2 पे गिरा, 4 से सीधा वो 2 पे गिरा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वही सेम हुआ कि यहाँ पे ये सॉरी दोस्तों पीछे जो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आप यहाँ देखें कि ये डायरेक्ट 22 से गिरा 13 रुपीज़ के आसपास पे। फिर आपको तो पता है आलोक इंडस्ट्री का क्या हुआ, फिर जो उसने 4 से पकड़ा डायरेक्ट 61 पे गया। तो हो सकता है हमको भी सेम ट्रेंड यहाँ भी देखने अब मिल सकता है, जिसमें बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी आते हुए हमको दिख सकती है। दोस्तों आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि वॉरेन बफेट भी बोलते हैं, जोखिम तब होता है जब आपको पता नहीं होता है कि आप क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं। जोखिम सबसे ज़्यादा तब होता है, मतलब प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तब क्रिएट होता है जब आपको कोई आइडिया ही नहीं कि आप कर क्या रहे हो। कि जैसा कि सेम फ्यूचर में अभी हुआ था, हम लोग ने देखा था, हम खुद उस टाइम को अब हम लोग ऑब्जर्व करके आ रहे हैं। जोखिम तब हुआ था जब हमको पता नहीं था कि हमको करना क्या है, हमसे शेयर बाय की जाए। शेयर बाय करना ये तो कोई ऐसा हुआ नहीं कि शेयर बाय कर लो बस हो गया काम, हमको पता ही नहीं था क्यों शेयर बाय कर रहे हैं। हमको बस ये पता था कि कोई तो न्यूज़ है, शेयर बाय कर लो वैल्यू अप जाएगी, और इसी चक्कर में हम देख रहे हैं कि हमको लॉस हुए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे वो रिकवर हो रहे हैं, जब हम स्ट्रेटजी अपनाए लगे कि इस स्ट्रेटजी से ऐसे लॉस कवर हो सकते हैं, तो उस स्ट्रेटजी से धीरे धीरे लॉसेस तो अब रिकवर होते हमको दिख रहे हैं। लेकिन ये कोट को आप हमेशा ध्यान रख लीजिए कि प्रॉब्लम तभी क्रिएट होता है जब आपको पता नहीं, आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए रहते कि हमको करना क्या है। आप बस मार्केट में सब जब ग्रीडी हो गए थे, हम भी ग्रीडी हो गए थे हम मानते हैं, लेकिन हमको भी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। हम भी ग्रीडी हो गए थे, आप भी ग्रीडी हो गए थे, हम सब लोग ने बहुत बाय किया और उसके बाद जब शेयर डाउन गया तो हमको एग्जिट का मौका ही नहीं मिला, यहाँ पे एग्जिट देखने ही नहीं मिला, और ऑपरेटर्स लोग ने गेम खेल गए और वो यहाँ से पैसा कमा के चले गए। लेकिन अब धीरे धीरे जिस वे में फ्यूचर अब परफॉर्म कर रहा है, अब दिख रहा है कि धीरे धीरे फिर से ऊपर जाते हमको दिख रहा है, और अब हमको पता भी है उनको करना क्या है। तो अब प्रॉब्लम का इसमें कहीं भी बची नहीं है कि प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोग ने पहले ही देख चुका है कि कितना बुरा हो सकता है फ्यूचर में। अब इससे ज़्यादा बुरा तो मेरे को नहीं लग रहा कि इससे भी ज़्यादा बुरा होगा, अब और वैल्यूएशन तो दिखेगी नहीं। तो अब हम जब भी शेयर बाय करेंगे, कोई भी नया शेयर बाय करेंगे, तो हम पहले उसका कभी भी एनालिसिस करेंगे। ऐसा नहीं कि मार्केट में उड़ती उड़ती न्यूज़ आई और हम लोग ने शेयर बाय कर लिया, एनालिसिस करेंगे और उसको अच्छे समय के लिए होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि ट्रेडर का बहुत ज़्यादा कभी कभी नुकसान होता है, प्रॉफिट भी होता है मानते, लेकिन नुकसान भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे शेयर फ्यूचर में नुकसान है, हमको कमेंट्स आया था, हमको खुद को बुरा लग रहा था कि इतना ज़्यादा लोगों को नुकसान हो चुका है यहाँ पे। लेकिन फिर हम लोग ने उनको स्ट्रेटजी पता किस किस वे से आप परफॉर्म कीजिए ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में अब ऐसी सिचुएशन बन रही है कि कोई भी इसको सेल करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है और बाय करने के लिए आ रहे हैं अब लोग। अब इसमें बायर्स धीरे धीरे फिर से आ रहे हैं,
तो फिर से अब ऐसा लग रहा है कि ये अप जाने वाला है बहुत तेज़ी से, जैसा पहले गया था। क्योंकि ये जब होता है कि सेलर अवेलेबल नहीं रहते लेकिन बायर आ जाते हैं, बायर अगर आके खड़े हो जाते हैं तो फिर से ऊपर वैल्यू जाने लगती है। तो यहाँ पर धीरे धीरे वही चांसेस लग रहे हैं और अब लग रहा है फिर से बहुत तेज़ी चढ़ाव देख सकता है इसमें, और ये बहुत तेज़ी से फिर से ऊपर जाते हमको दिख सकता है अगर सेलर लोग ने सपोर्ट किया। अगर सेलर लोग होल्ड करके बैठ गए तो फिर बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हमको देख सकता है शेयर। अगर आपको हमारी छोटी सी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो चैनल दिख रहा है टेक्निकल बुल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा 7K का सब्सक्राइबर का एम है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।